दोस्तों, आज अपने भाई बहनों का प्यार देख के मुझसे रहा नहीं गया कि मैं उन पे एक वीडियो बनाना तो बनता है यार, क्योंकि आज की जो मेरे भाई बहनों का प्यार है उसने मुझे मजबूर कर दिया है वीडियो बनाने के लिए मेरी यूट्यूब फैमिली ने। कि आज 1 बजे मेरी एक सिस्टर बार बार मुझे कमेंट कर रही थी, जो शायद नोएडा की तरफ से टीचर है वो, और बहुत अच्छी सोच है उनकी। वो बार बार मुझे कमेंट करती थी कि मुझे आपसे एक बार बात करनी है, मुझे आपसे मिलना है। तो उन्हीं सिस्टर की रिक्वेस्ट पर, क्योंकि वो एक शिक्षिका है और टीचर है, उनकी आज छुट्टी थी, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं आज 1 बजे लाइव आऊँ। सिर्फ उनके लिए लाइव की रखी थी मैंने, और मैंने सोचा था मैं उनसे कुछ बातें करूँ, कुछ वो मुझसे शेयर करना चाहती थी। तो मैंने अपने किसी भी भाई बहनों को नहीं बताया कि मैं लाइव आ रही हूँ। मेरे विपुल भाई की लाइव मेरे मुंह से अचानक निकला, तो या शायद किसी ने सुन लिया या कोई एक्टिव रहा हो यूट्यूब पे। जैसे ही मैंने लाइव स्टार्ट करी, वो सिस्टर मेरा वेट कर रही थी। जैसे ही मैं लाइव आई तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ कमेंट देख के उन्हें भी लगा कि मैं इग्नोर कर रही हूँ लोगों को। उन्होंने बोला, सिस्टर आप इग्नोर मत करो। तो मैंने उस ताकत को आज फील किया, आजमाया कि सच्चाई की, सच की ताकत, जब हम किसी के लिए कोई कदम उठाते हैं अपने लिए नहीं सोच के, तो उसमें बड़ा ही ताकत होता, बहुत, मतलब हमको अपने आप को अंदर से स्ट्रांग महसूस करते हैं। बहुत खुशी हुई कि मेरी यूट्यूब फैमिली का मुझ पर इतना सपोर्ट है। जब भी मैंने समाज के लिए कदम उठाया तो मेरे हर भाई ने पूछा, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, पैसे की जरूरत है, समय की जरूरत है, क्या काम है आप बताओ। तो मुझे बड़ा अंदर से फील हुआ कि समाज के लिए ऐसे लोग सोच रखने वाले हैं आज मेरे भाई बहन, तो मुझे दिल से बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ। उसी पर एक मेरा यूट्यूब पे कमेंट आता, जो कि आरती को लेकर आप जानते हैं बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है, कि लोगों से मैं कहती हूँ, देखिए आप सोशल साइड पे हो, किसी की बुराई किसी की अच्छाई है आप जज करने वाले कोई नहीं होते, सब अपना अपना पक्ष रखते हैं। आप हर बार आते हो, फेक आईडी से आते हो, अगर आपका हम जवाब नहीं देते आप फेक आईडी से आते हो। तो एक सिस्टर मुझे कमेंट कर रही थी, सिस्टर है भाई मैं नहीं जानती, मैंने सही से देखा नहीं, तो उनका कॉमेंट था कि 1K कंप्लीट, मैंने गलत थंबनेल यूज़ किया है, गलत टाइटल यूज़ किया है, गलत चीज़ें यूज़ करी है, और मैं आरती की वजह से व्यूज ले रही हूँ। जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं ज़रूरी नहीं समझती मैं आपको बार बार बताऊँ, मैं आपको बता चुकी हूँ व्यूज़ आरती की ही वजह से आ रहा है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज़ को, लेकिन आरती की वजह से क्यों आ रहा है सोचिए, आपके चैनल पर क्यों नहीं आ रहा आरती की वजह से, आप भी तो उसके सपोर्ट में हैं, क्यों नहीं आ रहा है। मेरे इसमें कमेंट देखिए ना, मानती हूँ आरती की वजह से आ रहा है, उसका रीज़न देखिए कि क्यों आ रहा है, क्यों आरती को देखना चाहते हैं लोग, क्यों आरती की बातें सुनना चाहते हैं लोग, क्या कारण है, और क्यों मेरे चैनल पर आके इतना टाइम रुकते हैं लोग। क्योंकि मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ, अगर आरती के सपोर्टर है तो इतने लंबे टाइम तक मेरे चैनल पर नहीं टिकेंगे, ना मेरी बात सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप जैसे कुछ लोग आते हो और मेरे चैनल में हजारों कमेंट है, उसमें से इक्का दुक्का आप जैसे का कमेंट है। तो मुझे जरूरी लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी हमें सपोर्ट कर रहे हो, तो मुझे लगा कि आपको जरूर, आपने मुझे बधाई भी दी थी 1K कंप्लीट होने में, आपने मुझे बोला था कि मैंने गलत तरीका, बहुत झूठ बोलती हूँ मैं, बहुत झूठ तरीके मैंने बनाए हैं, मैंने गलत वर्ड का यूज किया है कि 1K एक दिन में कंप्लीट कर लिए, मैंने गलत बोला। तो बेवकूफ हो, अपनी अकल के पर्दे कहाँ खो देते हो, अकल के लगता नहीं है आपकी सोच को देख के कि शिक्षित समाज में आप जैसे बेवकूफ लोग भी रहते हैं। 1K कंप्लीट मैंने टाइटल में लिखा, और 1K कंप्लीट तो आपकी मंद बुद्धि की, आपके माइंड में इतना सेंस नहीं है कि 1K कंप्लीट क्या होता है, आपने आके डायरेक्ट नेगेटिव गलत चीजें ढूंढ ढूंढ के लाना, क्या तुम्हारे दिमाग के ऊपर से, तो तुम्हें क्या लगा 1K कंप्लीट एक दिन में मैंने गलत कराया, एक दिन में ही 1K कंप्लीट हुआ है, सच्चाई है। 1K आपका पहले दिन पूरा नहीं हो जाता है क्या, आप पहले ही दिन कह देंगे मेरा 1K कंप्लीट हो गया, एक ही दिन में हुआ है ना, परसों मेरा 1K कंप्लीट हुआ है, परसों मैंने एक दिन में 1K कंप्लीट लिखा है, जो कि किसी ने भी सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं समझी, सबको पता है 1K कंप्लीट एक ही दिन में होता है। लेकिन कुछ आप जैसे मंद बुद्धि के लोग, जिनके दिमाग में जरा सा भी समझ नहीं होती, मतलब उनके दिमाग में इतनी गंद भरी होती है, इतनी नेगेटिविटी हावी होती है, उन्हें सही चीज़ें भी गलत नज़र आती हैं। खोलिए अपने दिमाग के पर्दे, क्योंकि मुझे पता है जहाँ तक कि वैसे तो मैंने तुम लोगों का, मैं चैनल मैंने देखती नहीं हूँ, मैं मैम का अलका सिस्टर के चैनल पे जब जाती तो तब पता चलता कि तुम कितनी गंद वहाँ भर के आते हो, कितनी गंद तुम, क्योंकि तुम्हें कोई जवाब नहीं देता इसलिए तुम गंद भरते हो, तुम खुरेदते रह जाओगे लोग जवाब नहीं देंगे, तुम सिर्फ ये झांकने के लिए आते हो दूसरों के चैनल में आज ये क्या बक रही है,
क्योंकि जो सामाजिक तत्व होते हैं इस तरीके की सोच ही नहीं रखते तुम्हारी जैसी गंद वाली, तो अपने माइंड को अपने तक ही सीमित, क्योंकि मैं इस बात से तुम्हें अंदाजा लगा सकती हूँ तुम्हारी बुद्धि कितनी मंद है। हाँ, तुमने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था उसके लिए दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैं जो सही चीज़ होता है उसे हमेशा सपोर्ट करती हूँ। और मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली से बहुत मैं धन्यवाद कह नहीं पाई थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका ये प्यार है, आपका सपोर्ट है, आपने इतने कमेंट से भर दिया मेरा चैनल कि मैं कह नहीं सकती। और मैंने जो उम्मीद भी नहीं करी थी उस उम्मीद से भी 100 गुना आपने मुझे प्यार दिया। और आपका मेरा चैनल आपका अपना, मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि सच के साथ हमेशा मैं खड़ी हूँ। मेरी बहनें जो स्ट्रगल कर रही, मेरे भाई जो स्ट्रगल कर रहे, उनके लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ। क्योंकि जब मैं आई थी इस साइड पर तो मैंने कसम खाई थी कि मैं सच के साथ रहूंगी, सच के साथ लड़ूंगी। जो लोग मुझसे कह रहे हैं आरती की वजह से व्यूज आ रहा, सबसे हाईएस्ट व्यूज आरती की वजह से आया, तो मैम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, हाईएस्ट व्यूज आरती के ही वजह से आया है। इससे भी हाईएस्ट आता अगर मैं वो चीज़ें करती, उनकी उन चीज़ों को एक्सेप्ट करती, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, इतना दिमाग हमारे अंदर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कुछ लोग हद से ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, इन लोगों को जवाब देना ज़रूरी है, इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियो में नहीं जा पा रही। मैंने इन लोगों के तो मैं जाती भी नहीं हूँ, लेकिन कई लोग हमारी भाई बहनों को बहुत ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें आज जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद दोस्तों, ज़रूरी नहीं ऐसे फालतू लोगों को जवाब दें, लेकिन मैं उन बहनों से भी कहती हूँ ज़्यादा इन लोगों को भाव मत दो। लेकिन हम होता है सोशल साइट पे गंद मचाए हुआ, कहीं ना कहीं तो रोकना इनको ज़रूरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है, आपका प्यार दुलार बना रहे, और मेरा प्यार तो सदैव आपके साथ है। तो दिल से आप लोगों को धन्यवाद।